दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय एडिफाई स्कूल छतरपुर। थिंक बियॉन्ड। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सटई रोड इलाके में रहने वाले एक युवक को गोली मारने का मामला सामने आया है। इस क्षेत्र के छुई कदान मोहल्ले में रहने वाले राम कुमार उर्फ बिट्टू रजक को दोपहर 1:30 बजे 3 युवकों ने गोली मार दी। बिट्टू के पिता मुन्नीलाल रजक ने पुलिस को बताया कि मोहल्ले के एक पुलिसकर्मी के बेटे विजय रिछारिया के साथ बिट्टू का पुराना विवाद था। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बिट्टू चलता है, राजकुमार नाम है मेरा। मैं गांव मेरा गोपालपुरा है। क्या हुआ आपका? कौन है आपके? मेरा राजकुमार है, मेरा बेटा बिट्टू, बिट्टू कहते हैं इसपे। क्या हुआ, कैसे क्या? इसके साथ बुरी घटना घट गई, गोली मार दी विजय रिछारिया और विकास विश्वकर्मा। विजय रिछारिया को बाप पुलिस में है, कुछ ही बढ़ावा दें अपने लड़का को। उसने 3-4 मर्डर ऐसे कर चुके, केस किसी का पकड़ में नहीं आता, ना कुछ कार्रवाई करती है सिविल लाइन पुलिस। और पुरानी रंजस थी, किसी को मारा था इन्होंने तलवार से, तो मेरे लड़का ने गवाही दे दी, तो इसलिए उन्होंने आज गोली मारी। पहले कहते थे गवाही न देना, नहीं तो हम तुमको गोली मारेंगे। फिर इन लोगों ने आज घर से बुला के दिलासा में और पार्क में चटई रोड पे पार्क मुक्ति धाम के पास में गोली मारी। एक तलवारबाजी मामले में बिट्टू रजक विजय रिछारिया के विरुद्ध गवाही देने वाला था। इसी बात से रंजिश मानते हुए दोपहर 1:30 बजे विजय रिछारिया, विकास विश्वकर्मा और एक अन्य युवक ने बिट्टू को गोली मार दी। गोली बिट्टू की जांग में लगी, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। CSP लोकेंद्र सिंह ने कहा कि मामले को दर्ज कर पुलिस विवेचना कर रही है। ये सिविल लाइन थाने क्षेत्र में आता है, छुई खदान में एक लड़का है जिसको गोली लगी है। उसका नाम बिट्टू रजक है और उसे हॉस्पिटलाइज कर दिया है और बाकी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसकी। सर किसका नाम बता रहा है? 3 लड़कों के नाम बता रहा है जिनको जिनकी जांच की जा रही है। Now stop that and eat your breakfast. अरे अरे रिलैक्स डैड, ये बटर स्टिक है, मैंने बनाई है ताकि नाइफ यूज ना करना पड़े। एडिफाई स्कूल छतरपुर, एडमिशन ओपन नर्सरी टू ग्रेड 9। कॉन्टेक्ट अस 9399496249। एडिफाई स्कूल, ब्लेड चौका, सागर रोड, छतरपुर।